बांस से बना हुआ है क्या अंकल? बांस के बना हुआ आप ला के बेचते हैं अंकल जी कि आप ही बनाते भी हम हैं? खुद बनाते हैं, हम आप बेचते हैं, आप खुद खरीदते बनाते नहीं, हम खुद जो है हम आपके संग रखो जो है। अच्छा, कलाकृति है। और ये लगा है जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए। चलो जल्दी से चलते हैं। होता है यहाँ का मंदिर जो इससे पूजा होती है, पेंट भी हुआ है। अच्छा, तो अभी फाइनली हम लोग उधर से उस साइड से अभी घूम के पूरा खजुराहो का जितना भी मंदिर था सबको एक्सप्लोर कर लिया है। सबको घूमते हुए इधर से एग्जिट होता है, तो इधर से आ रहा हूँ अभी। और इसके बाद अभी होटल में जाएंगे और काम करेंगे, और उसके बाद अपना कल का ट्रेन है 12 बजे का। कल 12 बजे का ट्रेन है। और ये देख सकते हो व्यू, तालाब है, मछली को लोग चारा भी खिला रहे हैं और बहुत सारी मछलियाँ हैं इसमें, तो फ्री का मछली का चारा कुत्ते को खिला दिए। तो ये देख सकते हो क्या मस्त छत्रपति शिवाजी, और ये महाराणा प्रताप, और इसके बाद ये जानता शायद पृथ्वीराज चौहान हो, और वो शायद लास्ट में जो है ये तो झांसी की रानी है। और ये पार्क है, अभी हम लोग पार्क में हैं और काफ़ी शांति है पार्क में यहाँ पे। और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है एमपी में। यहाँ पे जो भी ये आपका खजुराहो में, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ का इलाका नहीं पसंद है, क्योंकि मेरा जो घर भी है वो काफ़ी आउट थोड़ा है, मैं तो शहर से हट के मेरा भी घर, तो मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा। और अभी भी मुझे पार्क में देख रहा हो, चिल्ड्रेन पार्क है और शाम को ये खुलता है, लेकिन यहाँ पे एकदम देख रहे हो आदमी नहीं दिख रहे हैं, सुकून है एकदम, बहुत कम है। बच्चे तो जैसे यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं, बच्चों का पार्क है। तो अभी कुछ फ़ोटो निकालेंगे और थोड़ा बैठेंगे, आराम करेंगे। और एक वहाँ पे कुआं भी है, ये देख सकते हो वहाँ पे कुआं है। और यहाँ पे G20 का हर जगह पे जी पोस्टर उस्टर लगे हुए हैं, और कुछ झूला भी है उधर छोटे बच्चों के लिए, तो एंजॉय के लिए काफ़ी अच्छा है साधन यहाँ पे, डस्टबिन भी है। और ये छोटा सा फवारा है, 360 डिग्री वाला फवारा है, देख सकते हो, जो कि मुझे लग रहा है रात को चालू होगा। या इधर तो इंडिया में अपने आधे से ज़्यादा फवारे, मेरे बनारस में भी बहुत ज़्यादा फवारे हैं बहुत से चौराहों पे, लेकिन कोई चालू नहीं रहता, वो खाली VIP आते हैं या मोदी जी आते हैं, कोई VIP आते हैं तभी चालू होता है। तो चलो दोस्तों, ये छोटा सा पार्क था, तो अभी को गाना बज रहा है, तो वो रामनवमी का रिहर्स देख सकते हो। यहाँ पे रामनवमी की बहुत भव्य तैयारी हो रही है, हर जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं, गेट भी बना हुआ है रामनवमी के लिए, और DJ भी देख सकते हो तुम। तो दोस्तों अभी हम लोग रात में हैं, घूम रहे हैं ऐसे, और ये सोचा कि नाइट में भी थोड़ा शूट कर लेते हैं कुछ। लग रहा है ना सुनसान, देखो कुछ सुनसान लग रहा है।
told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why. अभी हम लोग आ गए हैं खजुराहो मंदिर के साइड. इधर लाइट शो चलता है, तो इधर लाइट शो चलता है और हिंदी का अभी मैं पैसा नहीं लाया था और जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है. 8:40 से स्टार्ट होता है, तो मैं कुछ यहाँ से दिखाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को. और हिंदी का शो चलता है 8:40 से कुछ उसके आधे घंटे शायद चलता है. और 250 रुपीज़ था उसका चार्ज, 50 रुपीज़ चार्ज था इंडियन एडल्ट का और बच्चे का था 120 रुपये और मुझे याद नहीं फॉरेन का नहीं याद है फॉरेनर के लिए. तो अभी देखो शो चालू हो गया है और वहाँ पे लाइटें चलेंगी और शायद प्रोजेक्टर से कुछ दिखाया भी जाएगा और आवाज़ सुनाई दे रहा है. धीरे धीरे लाइटें चल रही हैं उधर की मंदिर पे की, जितनी भी मंदिर है. तो इस बार तो मैं इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगले बार आऊँगा तो ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करना चाहूँगा. और अभी भी लोग जा ही रहे हैं वहाँ पर. और तो अभी लाइट शो चालू नहीं हुआ है, थोड़ी आवाज़ आ रही थी, लेकिन आओ देखते हैं ये क्या है. ये थोड़ा सा कुछ हैंडीक्राफ्ट के सामान थे, आओ थोड़ा देख लेते हैं क्या है. बांस से बना हुआ है क्या अंकल? बांस से बना हुआ है सब. ये देख सकते हो बांस से बना हुआ कलाकृति है. क्या बनाया है यार? कितने कितने रुपीज का है अंकल जी? कितने कितने रुपीज का? देख लो आप, बिल्कुल देख लो. मतलब सब चिड़िया उड़िया है, सब पूरा जो सब अलग अलग है. 500 600 700 रुपए से अलग अलग रेट है. अभी देखो 500 600 आप ला के बेचते हैं अंकल जी कि आप ही बनाते भी हैं? हम खुद बनाते हैं, हम बेचते हैं. हां खुद बनाते नहीं, हम खुद जो है हम आपके संग्रह को जो है. अच्छा से तो मशीन से. ये तो सब जानवर है पूरा जो है सब. ये 500 रुपए का चीज है, बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया है. लेके चलने का साधन भी नहीं है. चलो चाहिए बांस के, बांस का जो सोल होता है, बांस का मतलब बांस का नीचे जो बेस होता है, रूट कह सकते हो जड़, उससे वो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं. और थोड़ा एक्सपेंसिव था क्योंकि भाई उसमें उनका मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है. तो मैंने देखा है उसको, भी वीडियो में डालू दूंगा आगे, आप लोग भी देखे होगे अभी. तो काफ़ी अच्छा था. और वापस जा रहे हैं अपने रूम पे, चलते हैं और आराम करते हैं. और रात को भी मैंने दिखाई दिया. लाइट शो चालू हो गया? नहीं ब्रो. आवाज तो आ रहा है. यहाँ देख सकते हो रात को भी मंदिर पे. 1x कर देता हूँ. चलो तो दोस्तों, बहुत ट्राई किया कि कुछ आइडिया मिल जाए क्या चल रहा है या लाइट शो कुछ थोड़ा थाड़ दिख जाए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है. बहुत उधर साइड पे हो रहा है, तो इधर खाली चमगादड़ के आवाज़ आ रहे थे. तो हम लोगों ने चमगादड़ का आवाज़ सुन के अब वापस चल रहे हैं हम लोग. मंदिर में से चमगादड़ के आवाज़ आ रहे थे और यहाँ पे सब लोग अपना ड्यूटी ऑफ करके जा रहा है.
टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लगभग टाइम कितना हो गया होगा, 9 बज गया होगा। तो उसको टाइम देख लेते हैं भाई, टाइम 8:50 हो गए हैं। तो अभी हम लोग भी चलते हैं अपने घर आराम से। ये देख सकते हो बंदी 1X। तो अभी मंदिर के साइड पे तो पूरा मार के चक्कर हम लोग आ गए हैं, उधर पे कुछ मिला नहीं, तो इधर एक राउंड कर लेते हैं। मेन जो मार्केट है, थोड़ा इधर भी मार्केट फैला हुआ है, इधर लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, थोड़ा मेले टाइप सा माहौल रहता है। तो आओ थोड़ा इधर भी देख लेते हैं क्या कुछ रहा है। तो फाइनली गाइस, अभी को मैं यहाँ का व्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार एंड करके फिर मैंने सोचा कि दिन में ही शूट करूँगा, अब इसके बाद अब रात को नहीं शूट करूँगा, लेकिन उसके बाद मैं निकला तो अच्छा लगा। तो मुझे आइडिया है कि भाई रात को भी दिखा देता हूँ और मैं खुद भी देख लेता हूँ, और मेमोरीज़ के लिए तो मैं ये बना ही रहा हूँ वीडियोज़, तो मेरी भी मेमोरीज रहेंगी कि भाई रात को कैसा दिखा था, रात को क्या मेमोरीज थी। क्योंकि मैं सारे वीडियोस हर जगह के कहीं भी जाता हूँ तो सारे वीडियोस मेरे पीसी में पड़े हुए हैं, मेरे कंप्यूटर में पड़े हुए हैं, और तो यहाँ पे वीडियो को, रात वाली वीडियो को एंड करते हैं। और होप करता हूँ ये वीडियो, ये सीरीज अच्छी लगी हो आप लोगों को, ये ब्लॉग मेरे अच्छे लगे हों, और मैं नया नया ब्लॉग्स ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर कुछ गलतियाँ हो रही हों तो आप लोग माफ करना, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, कोई कमी हो या कोई क्वेश्चन, कोई कुछ भी हो, क्वेरी हो, कोई कमेंट करना। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। पीस आउट। नमस्कार।